हमारे गुण और हमारी असफलताएं अविभाज्य हैं, जैसे बल और पदार्थ। जब वे अलग हो जाते हैं तो मनुष्य नहीं रहता है। जीवन एक ऐसा समीकरण है और रहेगा, जो हल करने में असमर्थ है, लेकिन इसमें कुछ ज्ञात कारक शामिल हैं। हम नई संवेदनाओं के लिए तरसते हैं, लेकिन जल्द ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के चमत्कार आज सामान्य घटनाएं हैं। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। सभी चीजों में मुझे किताबें सबसे अच्छी लगी। हमारे मस्तिष्क में बहुत संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो हमें सत्य को तब भी महसूस करने की अनुमति देती हैं, जब वह अभी तक उपलब्ध नहीं है। समय हमारा न्याय करेगा। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया के चिंतन में इतने लीन हैं कि वे पूरी तरह से बेखबर हैं कि उनके भीतर क्या चल रहा है। महान क्षण महान अवसर पैदा होते हैं। छोटे से छोटे जीव की क्रिया से भी पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है। जैसा कि मैं अपने पिछले जीवन की घटनाओं को देखता हूं, मुझे एहसास होता है कि हमारे भाग्य को आकार देने वाले प्रभाव कितने सूक्ष्म हैं। हम सब एक हैं, केवल अहम, विश्वास और भय हमें अलग करते हैं। जब प्राकृतिक झुकाव एक भावुक इच्छा में विकसित होता है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर शानदार जूते में आगे बढ़ता है। निरंतर एकांत में मन तेज और तेज हो जाता है। बाहरी प्रयास के मन के प्रभाव के अभाव में विचार पैदा होते हैं। एक नए विचार को उसके तत्काल परिणामों से नहीं आंका जाना चाहिए। किसी का उद्धार केवल उसके अपने प्रयासों से ही हो सकता है। एक दूसरे को जानने के लिए हमें अपनी इंद्रिय धारणाओं के क्षेत्र से परे पहुंचना होगा। भविष्य का सबसे मेहनत का काम एक बटन दबाना होगा। अंतर्ज्ञान कुछ ऐसा है जो ज्ञान की सटीकता से आगे है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानव का ध्यान आकर्षित कर सके और प्रकृति की तुलना में अध्ययन का विषय बन सके। कितने लोग मुझे स्वप्नदृष्टा कहते हैं, कैसे तुम्हारी मायावी दुनिया ने मेरे विचारों का उपहास उड़ाया है। मुझे लगता है कि मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। हमारे अस्तित्व का एक महान रहस्य अभी सुलझना बाकी है। हो सकता है कि मृत्यु भी अंत ना हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुस्तक और पत्नी की समान रूप से सेवा कोई नहीं कर सकता। अकेले रहने का राज, विचार अकेलेपन में पैदा होते हैं। बुढ़ापे में सेक्स से बचें, इसके बाद चूमने और फिर बात करने की बारी आती है।